हेलो एंड वेलकम टू न्यूज क्लिक कैंड इंडियन टूडे वी हैविनेट मराठी ऑथर शरण कुमार लिम्बाड़ी अबाउट एंड ऑल्सो Dalit literature. Mm -hmm. जो हिंदी दलित साहित्य है जो उसका uh, आज जो स्थिति है दल, हिंदी दलित साहित्य की उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे हाँ आ, हिंदी दलित साहित्य मराठी दलित साहित्य से बहुत पीछा है mm -hmm. आ, पहले मराठी में दलित साहित्य शुरू हुआ और दलित साहित्य के अनुवाद जो हुए हैं हिंदी में अन्य भाषाओं में अनुवाद पढ़कर उन भाषाओं में ये साहित्य निर्माण हुआ हुए है जैसा कि आप हिंदी साहित्य में बात कर रही है वैसे गुजराती में दलित साहित्य निर्माण हुआ है पंजाबी में हुआ तमिल में हुआ मलयालम में हुआ उर्दू में हुआ गुजराती में हुआ हर आंचलिक भाषाओं में दलित साहित्य का निर्माण हुआ है मगर जब हम तुलना करते हैं मराठी दलित साहित्य और हिंदी दलित साहित्य की तब दलित साहित्य बहुत सशक्त और अच्छा साहित्य विद्रोही साहित्य है और हिंदी में इतना विद्रोह नहीं है इसका कारण मुझे लगता है कि मराठी में बाबा साहब अंबेडकर की मूवमेंट थी दलित पैंथर का आंदोलन था दलित पैंथर के आंदोलन के कारण नामांतर के आंदोलन आंदोलन के कारण दलित साहित्य को एक आक्रामक तेवर मिल गया उसकी जुबान में विद्रोह और वेदना और नकार आ गई और वो कार्यकर्ता स्वयं लिख रहे थे वहाँ का लेखक मराठी का लेखक कार्यकर्ता लेखक था दलित मराठी दलित साहित्य में जो वेदना है आक्रोश है नकारा है विद्रोह है वो भारी पैमाने पर हिंदी साहित्य में दिखाई नहीं देता मगर इसके कारण मैं हिंदी दलित साहित्य को कम करके कम करके मूल्यांकन नहीं कर सकता हिंदी दलित साहित्य ने भी क्योंकि हिंदी राष्ट्रीय भाषा होने के कारण यहाँ के लेखक राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित होते हैं और इन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से अपने को व्यक्त किया है विशेषकर हिंदी दलित आत्मकथाएं बहुत चर्चित हुई है जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि है मोहनदास नये यहाँ है सूरजपाल चौहान है कौशल्या बसंतरी है इन्होंने अच्छी आत्मकथाएँ दी इन सब लेखक और कवियों ने हिंदी दलित साहित्य का चेहरा बनाया है और आज भारतीय साहित्य को आगे लेके जाने की बात ये हिंदी दलित लेखक कर रहे हैं क्योंकि हम केवल एक प्रदेश में लिख रहे थे और हमारा साहित्य एक प्रदेश में ही सीमित था आज राष्ट्रीय स्तर पर दलित साहित्य की चर्चा जो हो रही है वो केवल हिंदी दलित लेखकों के कारण हो रही है जैसे हाँ, आपने कहा कि मराठी में जो विद्रोह है वो हिंदी साहित्य में उतना नहीं दिखता है और कोई ऐसी भाषा है जिसमें जो दलित साहित्य लिखा जा रहा है वो उतना ही विद्रोह या बहुत काफ़ी विद्रोह दिखाता है हाँ मुझे वर्तमान पत्रों ने मीडिया वालों ने मराठी दलित साहित्य की बहुत खूब स्तुति की है और उससे हमें बहुत गर्व गर्व होता है कि हम ही या अच्छे लिखते हैं हम ही विद्रोही लेखक है हम ही है, हम पहले लेखक हैं हम कैप्टन हैं इस प्रकार की भावना हमारे मन में होती थी मैं जब भारत के अन्य भाषाओं में जाने लगा तब मेरा एक गर्व कम हो गया गुजराती में बहुत लिखा गया है तेलुगु में बहुत लिखा गया है तमिल में लिखा गया है मुझे लगता कि गुजराती तेलुगु तमिल इन भाषाओं में दलित साहित्य भारी मात्रा में लिखा गया है वहाँ विद्रोह नहीं है केवल विद्रोह से साहित्य को साहित्य का मूल्यांकन करना मुझे अच्छा नहीं लगता विद्रोह के सिवा समाज के विभिन्न भावनाओं को स्पर्श करने वाला विभिन्न अन्य अत्याचारों अत्याचारों के कारणों को स्पर्श करने वाला साहित्य मुझे लगता है कि तेलुगु वालों ने दिया है और गुजराती वालों ने दिया है ये दोनों भाषाओं में दलित साहित्य मराठी से भी समृद्ध है मगर उसकी चर्चा नहीं होती और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी जो अभी दक्षिणपंथी शासन है हमारे देश में वो दलित आंदोलन के लिए कैसा है आपको क्या लगता है ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने देखिए केरल में वामपंथी आंदोलन सत्ता चलती है केरल में और बांग्ला में यदि वामपंथी आंदोलन दलितों के लिए अच्छा होता है ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं मगर वामपंथी राज्यों में ही दलितों के साहित्य भारी मात्रा में आगे नहीं आया क्योंकि वामपंथी आंदोलनों ने आंदोलनों ने जाति के प्रश्नों पर काम नहीं किया वो वर्ग के प्रश्नों पर काम किया इसलिए केरल में और पश्चिम बंगाल में उतनी मात्रा में दलितों का आंदोलन पनप नहीं पाया उतनी मात्रा में साहित्य दलित साहित्य आगे नहीं आया है हाँ आ, क्योंकि दलितों ने भी अपने अपने प्रश्नों पर वर्गवादी दृष्टि से देखा वामपथी नजरों से देखा दलित आदिवासी लोग जा, जाति के प्रश्नों पर लड़ने लगे बोलने लगे तब वामपंथ को भी लगा अरे हम हम सीमित दायरे में काम करते थे फैक्ट्री के मजदूर है उसके लिए काम करते थे किसान हैं उसके लिए काम करते थे हम जाति के प्रश्न पर काम नहीं कर रहे थे उनको भी आप आ, अपनी मर्यादा स्पष्ट पस, हो गई और मुझे आज लगता है कुछ हद तक दलितों को अपने बलबत्ते पर दलितों की लड़ाई लड़नी होगी हाँ और एक ऐसा ऐसा किनारा आएगा ऐ, ऐसा एक जगह आएगी तब हम दोनों एक साथ आना चाहिए हाँ दलित और आमपंथी आंदोलन एक साथ आना चाहिए तब ताकत बढ़ेगी केवल दलित अपने बलबूते पर संघर्ष करेंगे और विजय होंगे ऐसा नहीं लगता क्योंकि ये अल्पसंख्यक है और वामपंथी केवल वाम, के वाम मजदूरों की किसानों की फैक्ट्री के मजदूरों की का प्रश्नों पर काम करेंगे तो उनका उनकी क्रांति उनका परिवर्तन पूरा नहीं होगा हम पूरा परिवर्तन चाहते हैं पूरा समाज को बदलना चाहते हैं तो मजदूर किसान इस समाज के जितने अभिन्न अंग है उतने ही दलित आदिवासी इस समाज के अभिन्न अंग है दलित भी गरीब है और वो दलित है केवल दलित है और वो गरीब नहीं ऐसा नहीं वो गरीब भी है दलित भी है और आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से वो पीड़ित है इसको निपटाने के लिए मुझे लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर के साथ साथ मार्क्सवाद को भी मिलाना होगा मनुष्य के शोषण के खिलाफ बोलने के लिए वामपंथ हो अम्बेडकरवाद हो इतना ही नहीं प्रगतिशील विचार के लोग जो है वामपंथ अम्बेडकरवाद छोड़कर और भी प्रगतिशील विचार के लोग आए वो भी साथ में आना चाहिए और एक बड़ा आ, स्पैन बनाकर एक बड़ा व्यापक आंदोलन इस इसको इकट्ठा ताकत इकट्ठा करके लड़ना चाहिए वामपंथों से भी ज़्यादा वामपंथी लोगों से भी ज़्यादा यदि महिलाओं ने किसी भी जाति की हो किसी भी वर्ग की हो उन महिलाओं ने बुद्धिजीवी महिलाओं ने इस जाति व्यवस्था के खिलाफ बोलना चाहिए और यदि वो महिला लेखिका महिला बुद्धिजीवी बोलने लगेगी तो मुझे लगता है कि हमारा देश बहुत सुंदर हो जाएगा पर जो दक्षिणपंथी सरकार जो काम कर रही है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं एक तरफ वो दलित राष्ट्रपति लेके आ रही है दूसरी तरफ अंबेडकर का नाम लेके ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो दलितों के साथ है तो और एक तरफ आई से जैसे कोई एडवाइजरी आता है जिसमें चैनल्स को बताया जाता है कि आप दलित शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते कहीं पर इन्हीं के शासन में ये भी हो रहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कांचाई लिया जी का जो साहित्य है उसे हटाने की बात चल रही है उसके बारे में आपको कुछ क्या कहना चाहेंगे देखो कि मोदी के काल में बहुत दलितों के खिलाफ काम हुआ है हाँ उन्होंने दलितों के संबंध में काम जो किया है वो बिल्डिंगें तैयार की है के तैयार की है बाबा साहब का स्मारक बनाया है स्टैचू बना रहे हैं बिल्डिंग बनाने से स्टैचू बनाने से हमारे प्रश्न नहीं छूटते हैं हमारे प्रश्न हैं हमारे अस्मिता के प्रश्न हैं हमारे रोजी रोटी के प्रश्न हैं हमारे अन्याय अत्याचार के प्रश्न हैं केवल कहाँ बिल्डिंग बनाएंगे केवल कहाँ स्टैचू बनाएंगे हाँ इससे इससे हमारे प्रश्न हल नहीं होंगे हमारे प्रश्न न्याय न्याय के लिए है बंधुता के लिए है समता के लिए है मूलभूत है उसके बारे में कोई काम नहीं कर रहा है कोई कोई दिखा दिखावा दिखावे के लिए काम करते हैं उस दिखावे के काम से कुछ हल नहीं होता होता है उससे केवल पब्लिसिटी होती है हाँ और मोदी के काल में अन्य अत्याचार के अन्य अत्याचार बहुत बड़ा है एक दृष्टि से मुझे ये अच्छा भी लगा कांग्रेस के काल में अन्याय अत्याचार होता था हाँ मगर उसकी चर्चा नहीं होती थी क्योंकि वो सेक्युलर गवर्नमेंट था वामपंथी सेकुलर का लोगों के कारण हमे, हमें हमें आवाज़ नहीं मिलती थी ये सेक्युलर है वामपंथी है हमारे लोग ही हैं मगर सत्ता में जब मोदी जी आए बीजेपी आ गई तब हर जगह पर अन्याय अत्याचार होने लगा हम बोलते थे कि समाज बदला नहीं आज भी अन्याय अत्याचार है तब ये यजमान समाज बोलता था कहाँ अन्याय अत्याचार है सब बदल गया है आज मोदी के काल में बीप खाने से लोगों को मा मार रहे हैं गोरक्षक अल्पसंख्यकों को मार रहे हैं दलितों को हर जगह पर पीटा जा रहा है ये जो पूछ रहे थे हमें कि जाति व्यवस्था कहाँ है आज वो देख रहे हैं जाति व्यवस्था है और इक्कीसवीं सदी में भी जाति व्यवस्था मजबूत है हाँ देश हमारा इक्कीसवीं सदी में गया है मगर हमारी मानसिकता हमारी मानसिकता आज भी मनुस्मृति में ही के काल में ही है हमारे दिमाग में दिल में कहीं तो मनु बैठा है सामान्य आम आदमी यहाँ का आम आदमी हो यहाँ का राष्ट्रपति हो उसके मन में मनुष्य मनु बैठा हुआ है और वो काम करता है और मुझे लगता है कि ये दक्षिणपंथी जो सरकार है जो मोदी जी का सरकार है इनके काल में दलितों पर अन्याय अत्याचार बढ़ गया है हर रोज जो हमारे जो सवली, सवली थी, थी उसमें कपात होने लगी है हाँ हाँ नौकरियाँ नहीं मिल रही है हाँ केवल प्रपोगा हो रहा है कि हम काम कर रहे हैं वो बी का प्राइम मिनिस्टर है इस प्रकार की मुझे लगता है ये गलत है कांग्रेस जितनी जिम्मेदार है उससे दस गुना जिम्मेदार बीजेपी है हमारे पर अत्याचार हो रहे हैं और आपने एक पूछा कि दलित शब्द को शब्द पर पाबंदी लाने की बात ये तो ये तो घिनौना काम है साठ साल हम इस शब्द को स्थापित करने के लिए लड़े साठ साल हमने इस शब्द को अर्थ देने के लिए लिखे हैं और साठ साल हमने जो काम किया है वो एक दिन में आप नष्ट कर रहे हो दलित यानी रौंदा गया पिसा गया शोषित इतना ही उसका अर्थ नहीं है दलित अर्थ कल का वो शोषित था कल का वो पीड़ित था और आज का वो क्रांति करने वाला क्रांति करने वाला है ये नया अर्थ हमने दलित शब्द को दिया है दलित पैंथर इसमें जो दलित शब्द है वो क्या शोषित पैंथर नहीं था क्रांतिकारी पैंथर था साहित्य दलित साहित्य आम साहित्य को नाम दिया गया है दलित साहित्य ने शोषित साहित्य नहीं है दलित साहित्य ने क्रांतिकारक साहित्य विद्रोही साहित्य है हम दलित शब्द की परिभाषा बदल बदली है और दलित शब्द ए, एक अमरेला जैसा है इसमें हर जातियों के लिए हिंदुस्तान के में जितने जातियाँ दलित जाती है उसके लिए दलित शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और इसको नकारना एक एक तरह से दलित ने साठ सालों में जो सांस्कृतिक क्रांति की है उस क्रांति को नकारने नकारने जैसा है और इसको मैं आ, इसका मैं निषेध करता हूँ दलित शब्द शब्द का मैं समर्थन करता हूँ आज क्या खाए क्या पिए क्या पहने और कौन सा शब्द इस्तेमाल करे करना कर, 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 करना चाहिए ये कहना ये क्या जनतंत्र है दुनिया दुनिया का महान जनतंत्र जनतंत्र में इस प्रकार ये शब्द मत शब्द मत इस्तेमाल करो ऐसा कोई मुझे कहेगा तो मैं ठुकराता हूँ कि मुझे फौज ने भी कहे और किसी कोर्ट ने भी कहे तो मैं नहीं मानूँगा मैं दलित शब्द का स्वागत करता हूँ और दलित शब्द से ही मुझे चेतना मिली है और मेरी चेतना छीनने की कोई कोशिश करेगा तो मैं पूरी ताकत से उसको नकारूंगा संघर्ष करूंगा दलित मैं दलित हूं और मैं दलित हूँ इसका मुझे आनंद है अभिमान है क्योंकि दलित शब्द से पूरे शोषित जो दलित है अन्य जा इतने जाती जाती हैं दलितों की दलित शायद शब्द को लेकर इतने अनुसंधान हो गए हैं इतने संस्थाएं निकाल गई है दलित शब्द की इतनी चर्चाएं हुई है सम्मेलन हुए हैं परिसंवाद हुए हैं इतनी किताबें लिखी गई है ये शब्द को कैसा क्या मिटाएंगे शब्द को सरकार मिटा नहीं सकती सरकार केवल रोड बना सकती है बिल्डिंग बना सकती है डैम बना सकती है संस्कृति बना ही नहीं बना नहीं सकती है लेखक कलावंत और आम आदमी ही संस्कृति बनाता है और वही समाज का संरक्षक होता है हुँ. हम लेखक हैं और हम कलम से एक नई संस्कृति का निर्माण कर रहे हैं और उस संस्कृति का प्रतीक दलित है थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो